बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर में 12th 10th क्लास स्टार्ट किया हुआ था बायोलॉजी का। उसके अंदर हम पढ़े थे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के हमने पढ़ा था CNS एंड BNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब उसके बाद हमने जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ी है वो रिफ्लेक्स एक्शन है। कि अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज़ है, कि हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ एक्शन होते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था कि रिस्पॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक्शन होते हैं, उसी के अंदर ये एक टाइप है। तो पहले हमने क्या पढ़ा था कि एक्शन किस तरह होता है, कि मैसेज आता है हमारी बॉडी से, जो भी स्टिमुलस आता है वो जाता है कोऑर्डिनेटर हमारे ब्रेन तक, ब्रेन से दोबारा फिर कोई मसल तक, कोई ग्लैंड तक, अफेक्टर तक, वो भी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये क्या होता है कि यहाँ पर भी मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, वो भी स्टिमुलस को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटर जो होता है वो कोऑर्डिनेटर ब्रेन नहीं होता, ब्रेन की जगह कोई और चीज़ होती है। वो क्या चीज़ होती है हम वो देखते हैं, और ये होता किस कंडीशन में है वो भी देखते हैं। इंपल्स आर नॉट पास टू द हायर सेंटर, जब इंपल्स जो होती है, कोई मैसेज होता है, कोई स्टिमुलस होता है, वो हायर सेंटर तक नहीं जाता, एंड रिस्पॉन्स इज अंडर इनवॉलेंट्री एक्शन, और वो जो एक्शन होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक हो गया। जैसे कि मैंने ये हाथ उठाया, ये मेरे हाथ कंट्रोल में, मैं हाथ नीचे कर रहा हूँ, ये भी हाथ मेरे कंट्रोल में, ठीक है। हमारा मेरा ब्रेन कोई ऑर्डर कर रहा है तो फिर मैं कर रहा हूँ, ये मेरा कॉन्शियसनेस है, मेरा वॉलेंट्री एक्शन है कि जो मेरे हाथ, जो मेरे हाथ में। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हम खुद का खुद नहीं करते, ये है कि हम खुद का खुद नहीं करते, हम चाहे जैसे भी हैं। ताकि ये है कि अगर कोई बहुत क्लेवर भी है, बहुत होशियार है, या फिर कोई इतना ज़्यादा होशियार नहीं है, लेकिन फिर भी उन दोनों को इनवॉलेंट्री एक्शन करने में कोई देर नहीं लगती, एक जैसा उनका फ़र्क होता है, एक जैसा उनका एक्शन होता है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है कि जो खुद ब खुद होता है, इसका हमारे ब्रेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ब्रेन की जो हमारी जहानत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये चीज़ होती है। उसके बाद द वेरी क्विक रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन बाय द CNS, होता है CNS के अंदर ही है। CNS के अंदर ब्रेन होता है, दूसरे क्या होते हैं स्पाइनल कोड। अब जो होता है ये एक्शन स्पाइनल कोड करती है, ब्रेन ही एक्शन नहीं करता, जो ब्रेन एक्शन करता है वो वॉलेंट्री एक्शन होता है और कॉन्शियसनेस के अंदर होता है, ये नॉन कॉन्शियस होता है और इनवॉलेंट्री होता है, ये होता बहुत क्विक, बहुत जल्दी होता है, ये वो करता कौन है CNS ही, लेकिन CNS के अंदर जो स्पाइनल कोड होती है ये वो एक्शन करती है, ठीक है। और इस एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज़ है, हम ये भी पढ़ते हैं कि जब एक रिस्पॉन्स जाता है, रिस्पॉन्स जाने के बाद फौरन उसी का रिप्लाई आ जाना, ठीक है। फिर इस अब ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, उस रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो उसका पाथवे होता है, जिस जहाँ से इंपल्स जाती है और जहाँ से दोबारा मैसेज आता है, उस पाथवे को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। पाथवे इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अगर इसकी एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें बड़ी अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। ये हमारी स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी जिसको कह सकते हैं, कि क्या है कि रीढ़ की हड्डी के अंदर, स्पाइनल कोड के अंदर स्पाइनल नर्व्स गई हुई है। अब स्पाइनल नर्व एक गई है हमारे हाथ के मसल्स तक, ठीक है। अब जब हम हाथ का कोई हैंड हाथ अपना किसी गर्म चीज़ के साथ टच करते हैं, या फिर किसी कोई हीट के साथ हाथ के ऊपर गलती से लग जाता है, तो क्या होता है कि फौरन हमारी हीट मसल्स, जो हमारी बॉडी के स्किन मसल्स होते हैं और स्किन होती है और मसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज भेजते हैं हमारे स्पाइनल कोड को, हमारे स्पाइनल कोड को मैसेज भेजते हैं। स्पाइनल कोड के अंदर मौजूद होती हैं इंटर न्यूरॉन्स, वो इंटर न्यूरॉन्स उस मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है, और फिर फौरन ही ब्रेन में जाने की बजाय फौरन ही यहाँ से मोटर न्यूरॉन इसके लिए मौजूद है, वहाँ से एक्शन जो होता है, वहाँ से जो स्टिमुलस होता है, वहाँ से जो अफेक्टर होता है, जो अफेक्ट आना होता है, जो मैसेज आना होता है, वो वहाँ से फौरन चला जाता है किसकी तरफ, मसल्स की तरफ, मसल से आया और मसल की तरफ वापस चला गया। और ये जो एक्शन होता है ना, ये जो एक्शन हो रहा है स्पाइनल कोड पे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो पाथवे क्रिएट हो रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन से आया स्पाइनल कोड तक, स्पाइनल कोड से इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन से फिर मोटर न्यूरॉन से गया दोबारा मसल तक, ये इस पाथवे को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक हो गया। इस पाथवे को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और ये हमारी जहानत के, हमारी जहान पर इसको इन्फेंट, क्योंकि हमारे ब्रेन तक ये मैसेज आ रहा नहीं, ये इनवॉलेंट्री है कि हमारे हाथ हाथ में नहीं है, जो हमें किसी गर्म चीज़ को आदल बना तो फौरन हमने पीछे उसको कर लिया। अब यहाँ पर ब्रेन का भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो इंटर न्यूरॉन्स मौजूद है, यही इंटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं, यही इंटर न्यूरॉन्स से कोई मैसेज, कुछ इंटर न्यूरॉन्स ये मैसेज ब्रेन तक भी भेज देती हैं, कि वो सिर्फ ये बताती हैं ब्रेन को कि यहाँ पर ये मैसेज आया था, इंपल्स आई थी, पर हमने उसका ये एक्शन दिया,
और एक्शन लेने के बाद जहाँ पर ये चीज़ गर्म चीज़ लगी है तो वो बताती है कि ये हमें यहाँ पर दर्द हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, ठीक हो गया। ये सिर्फ ब्रेन को बताती है जाके कि ये चीज़ आई थी और हमने ये चीज़ वहाँ पर भेज दी है, ठीक है। ब्रेन से कोई ऑर्डर वगैरह नहीं, ब्रेन से कोई उनसे सलाह मशवरा नहीं लेती, बस ये जाकर उसको बता देती है कि मैंने ये किया, ठीक हो गया। ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन, और इस पास में कहते हैं रिफ्लेक्स आर। एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ द मसल, आर्म मसल का होता है, देन बॉडी टच का हॉट ऑब्जेक्ट और द हीट, जब हॉट ऑब्जेक्ट को या हीट को यह टच करती है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, स्पाइनल कॉर्ड, और एक सिर्फ ब्रेन को तक तक मैसेज पहुंचाता है कि ये हुआ था। और इसके साथ ये हमारा टॉपिक का खत्म हो गया रिफ्लेक्स एक्शन का। इसके अंदर जो चीज़ें देखने वाली है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर क्या है, और ये एग्जाम्पल इसको इनकी चीज़ों को देखना है। इसके मतलब कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।